और मैं सेक्टर 6 के चौक पर बैठा हूँ, जल्दी आ जाओ, ठीक है, जल्दी आ जाओ बेटे। अरे अरे मेरे पैसे, चोर चोर पकड़ो पकड़ो। हेलमेट लगा लेना, ठीक है, नहीं तो डबल चालान कर दूंगा। ये लो जनाब जी, एक लड़की मेरे पैसे चुरा के ले गई। किस साइड गई है भाई? साइड में गई है। चलो जनाब, चल 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 चल। कहाँ गई जनाब? तो कोई नजर नहीं आ रही। एक काम कर, आगे चल, कहीं वो निकलना चाहे। हाँ चलो जनाब। पुलिस ने फिर से देख लिया। अरे कौन है ये रामखोर हमारे घर में? रामखोर कौन है तू? खड़ी हो, मेरे घर में तेरी घुसने की कैसे हिम्मत हुई? मेरे पीछे पुलिस लगी हुई है, अगर तुमने पुलिस को बताया तो मैं तेरा गला काट दूंगी। पुलिस? अरे भाई साहब। हाँ जी भाई साहब, आपने ऐसे किसी लड़की को भागते देखा जो ब्राउन कलर का शाल ओढ़े थी? लड़की? भाई साहब उसने चोरी की है, वो किसी के पैसे छीन के भागी है। आपने देखा कहीं पे? नहीं भाई साहब, मैंने नहीं देखा। चल राजीव यहाँ भी नहीं है, जल्दी चल। चलो। चोरी कर रखी है इसने, चोरी की इसने। कहीं तुमने पुलिस को तो नहीं बताया मैं कि मैं यहाँ थी? बता दूंगा अगर तूने सच सच नहीं बताया कि तुमने चोरी क्यों की है। अच्छा से बता वरना पुलिस के हवाले मैं तुझे खुद करूंगा। हाँ बाबूजी, मैंने चोरी की है, पर ये नहीं पूछेंगे कि मैंने चोरी क्यों की। मेरे पति जिंदगी और मौत के बीच में जूझ रहे हैं। मैंने हर किसी से मदद मांगी पर किसी ने मेरी मदद नहीं की। आखिर में मुझे ये रास्ता अपनाना पड़ा बाबूजी। तेरे को पता है चोरी करना कितना बड़ा जुर्म है? एक बात बता, जिसके भी तूने पैसे चोरी किए, क्या पता वो तेरे से भी ज्यादा मजबूर हो तो? बाबूजी आप बताइए फिर मैं क्या करती? मुझे और कोई रास्ता ही नहीं दिखा बाबूजी। बिटिया, भगवान ने इंसान को इस जमीन पे भेजा है तो हर कष्ट का निवारण उन्होंने सोच रखा है। मैं मानता हूँ बेटी तुम्हारा इरादा सही था लेकिन तरीका गलत था। तुम क्या सोचती हो, इस चोरी के पैसे से तुम अपने पति का इलाज करा लोगे? नहीं हो पाएंगे वो ठीक। कहीं ना कहीं भगवान की नजरों में तुमने गुनाह का पैसा इकट्ठा किया है। ये चोरी की है चोरी। मैं अपनी आंखों के सामने अपने पति को मरते हुए कैसे देखती? कौन करेगा मेरी मदद? मैं करूंगा बिटिया। अगर इस धरती पे बुरे इंसान हैं तो अच्छे भी हैं। भगवान स्वयं नहीं आ रहे इस धरती पे, किसी न किसी को मदद करने के लिए यहाँ छोड़ रखा है। और अब आपके पति को कुछ नहीं होगा, हम ठीक करवाएंगे, अच्छे हॉस्पिटल में उसका ट्रीटमेंट कराएंगे। चलो। रामखोर बदतमीज। अरे हाँ भाई साहब, भाई साहब बिल्कुल एक मिनट भाई साहब, क्या हुआ? इसने पैसे चुराए मेरे। मुझे पता है, क्या पता है? आपके पैसे चुराए हैं और ये आप कैसे लो? ये आपके यही पैसे होंगे ना, गिन लीजिए भाई साहब। इसकी मजबूरी थी। अच्छा मजबूरी थी तो पैसे चुराएगी ये? इसको पुलिस में दूंगा मैं। इसका पति बीमार था इसलिए आपके पैसे इसने चुराए, लेकिन इस लड़की की तरफ से मैं आपसे हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ। चलो बेटा। हरे कृष्णा दोस्तों। दोस्तों कोई भी इंसान अपनी माँ के पेट से गुनहगार पैदा नहीं होता, बल्कि हालात ऐसे खड़े हो जाते हैं जिससे वो चोरी करता है, मर्डर करता है, बलात्कार करता है। तो मैं आप दर्शकों से एक ही अपील करना चाहता हूँ कि कोई भी आपको ज़रूरतमंद मिले और आप सक्षम हैं तो उसकी मदद करें।
तो हमारे देश से क्राइम, चोरी, डकैती सब कुछ खत्म हो जाएगा। और आप अच्छी सोच रखें, अच्छा कार्य करें। हरे कृष्णा।